फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने स्कूल और पूरी टीचर्स मैनेजमेंट पूरे और सबको जिन्होंने मेरा साथ दिया पूरा वहाँ तक पहुँचने के लिए, मैं सबको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ। वहाँ पर हम सकूरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुए थे। पंजाब में से 2 बच्चे और पूरे इंडिया में से 57 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। मेरा इतने इसमें से इतने ज़्यादा स्कूल्स और इतने ज़्यादा बच्चों में से ऐसे सिलेक्ट होना बहुत ही मुझे ऐसे प्राउड फील हुआ अपने स्कूल के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए भी। तो सकूरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम में हम अपने स्कूल की तरफ से सिलेक्ट हुए। पहले हमने स्कूल लेवल पे ये सिलेक्शन हुआ, फिर क्लस्टर लेवल और फिर रीजनल लेवल पे सिलेक्शन हुआ। सकूरा साइंस प्रोग्राम के लिए हम पहले दिल्ली गए एनसीईआरटी गेस्ट हाउस, फिर हम गए जापान, डायरेक्ट जापान में गए। तो जापान में हम वहाँ पर बहुत चीज़ों का हमने दौरा किया। वहाँ पर हमने जैसे रोज़ हम 7 दिन वहाँ पर रहे, 2 दिन मतलब 2 जगहों पर हम रोज़ जाकर आते थे वहाँ पर। उनमें से कई जगहों के बारे में आप बताना चाहूँगा। हम गए हैं रिकन सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल साइंस, वहाँ पर हमने सुपर कंप्यूटर्स को देखा। सुपर कंप्यूटर्स हमारे जैसे बास्केटबॉल ग्राउंड जितने बड़े बड़े थे, जैसे हमने बुक्स में भी देखा है कि हमारे पुराने टाइम में कितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, बट वो सुपर कंप्यूटर्स हैं। सुपर कंप्यूटर्स में उन्होंने अपनी डिस्कवरी के बारे में बताया जो कि उन्होंने कोरोना वायरस के टाइम पर की थी। कोरोना वायरस के टाइम पर उन्होंने बताया था कि ज़्यादा मास्क लगाना भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। मास्क भी हमें उतना ही लगाना चाहिए जितना ज़रूरतमंद होता है। तो हम गए थे एक प्लांट ग्रोथ फैक्ट्री में। प्लांट ग्रोथ फैक्ट्री में हमने देखा कि वहाँ पर वो बिना सॉयल और बिना लाइट के वहाँ प्लांट्स उगा रहे हैं। फिश एक्सक्रीटा वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जो कि एज अ मीडियम काम करता है प्लांट्स की ग्रोथ में। वहाँ पर हम गए अबीनो लाइफ सेफ्टी लर्निंग सेंटर में। अबीनो लाइफ सेफ्टी लर्निंग सेंटर में हमने एग्जैक्ट एक्सपीरियंस किया कि जैसे अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी आ जाए या घर में आग लग जाए तो हमें क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए। उसमें हमने अर्थक्वेक और इन तीनों चीज़ों के बारे में पहले तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें समझाया और बताया कि क्या क्या तुम्हें मेजर्स अडॉप्ट करने हैं। फिर हम उन स्पेशली बिल्ट रूम्स में गए जहाँ पर हमने एग्जैक्ट पहले लो इंटेंसिटी, फिर मीडियम और फिर हाई इंटेंसिटी वाले अर्थक्वेक्स को एक्सपीरियंस किया। हम वहाँ पर नॉट ओनली यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल, जैसे हम क्योटो यूनिवर्सिटी में गए। क्योटो यूनिवर्सिटी जापान की नंबर 2 पे है टॉप यूनिवर्सिटी और एशिया में 9th नंबर पे वो यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर जिस रूम में हमें नोबल लॉरेट और साइंटिस्ट ने लेक्चर्स दिए और वो वहाँ जहाँ हमें मिले, वहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वहाँ पर एक समय पर लेक्चर दिया था। तो उन्होंने उस रूम को अभी तक रेनोवेट नहीं किया कि एज अ मेमोरी। हमें वहाँ बैठकर भी ऐसे बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पर हम एक हाई स्कूल में गए। हाई स्कूल में हमें जापानीज़ हमारी ही एज के और हमारे ही जैसे स्ट्रीम्स के बच्चों के साथ हमें इंटरेक्शन करने को मिला। वहाँ पर सिर्फ जापानीज़ बच्चे ही नहीं थे, हम वहाँ पर टोटल 6 कंट्रीज़ के बच्चे थे। 6 कंट्रीज़ में मंगोलिया, इंडिया, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा एंड लास्ट वन इज़ जापान। ये 6 कंट्रीज़ के बच्चे ओवरऑल हम वहाँ पर प्रेजेंट थे। सबके साथ ऐसे बात करके और वह एक्सपेरिमेंट्स टुगेदर सारे परफॉर्म करके पूरी इंटरेक्शन हमारी ऐसे बहुत अच्छा रहा। वहाँ पर हम ऐसे हमारे इंस्टीट्यूट और स्कूल्स में ही नहीं बल्कि हम वहाँ पे जापानीज़ कल्चर को भी हमने एक्सपीरियंस किया है। जापानीज़ कल्चर में हमें वहाँ के बाज़ार और वहाँ के 2 फेमस टेंपल्स में लेके गए। एक तो हमें कियोमिज़ोदेरा टेंपल लेकर गए, बहुत बड़े बड़े टेंपल, बुद्धिस्ट रिलीजन के रिलेटेड ये टेंपल थे। और एक हम किंकाकुजी गोल्डन पवेलियन टेंपल में गए थे। किंकाकुजी गोल्डन पवेलियन टेंपल पूरा गोल्ड का बना हुआ, जैसे हमारे अमृतसर में गोल्डन टेंपल है वैसे ही वहाँ किंकाकुजी गोल्डन पवेलियन पूरा गोल्ड का टेंपल बना हुआ है। तो ये कुछ क्या सीखा बेटा वहाँ से और इसको अपनी लाइफ में कैसे अब इंप्लीमेंट करना चाहिए? वहाँ मैंने मेनली ये सीखा कि जैसे कि जापान की टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी और इतनी बढ़िया है, जैसे हमें भी इंडिया में ऐसे पूरे मेहनत करना चाहिए, हर एक को अपनी ओर से और पूरा स्कूल की ओर से, मतलब जैसे पूरा अपनी मेहनत करना चाहिए क्योंकि हार्डवर्क हमें ज़िंदगी में कहाँ ना कहीं काम ज़रूर आता ही है। तो हमें पूरी मेहनत करनी चाहिए, हमें भी हमारे इंडिया को और डेवलप करने में और डेवलप करने में। हम आगे एम क्या है, आप बनना क्या चाहते हैं लाइफ में? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो जो आपने टूर किया उसमें आपको कुछ सहयोग मिलेगा इस चीज़ के लिए?
हाँ जी, बहुत सहयोग मिलेगा मुझे. मुझे ये स्पेशली एग्ज़ाम्स में ये सर्टिफिकेट जो मुझे वहाँ से मिला है वो बहुत हेल्प करेगा. और टीचर्स ने भी मुझे बताया कि जैसे जॉब्स में भी ये मुझे बहुत काम आने वाला है. KVS ते जवाहर नवोदया विद्यालय दे बच्चे सिलेक्ट हुए सीगे दे च. ते KVS दे 35 बच्चे सिलेक्ट हुए सीगे, जिदे चो चंडीगढ़ रीजन दे 2 बच्चे सीगे. एक बच्चा फरीदकोट दा सीगा ते एक बेटी जिहड़ी है वो चंडीगढ़ तो सीगी. ते ए बच्चे उत्थे एक हफ्ते दा प्रोग्राम अटेंड करके आए ने, जिथे इन्हां नूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे रिलेटेड कई यूनिवर्सिटीज़ ते इंस्टीट्यूट्स दा इन्हां नूं दौरा कराया गया उत्थे, ते इन्हां नूं काफ़ी कुछ उत्थों सीखण नूं मिलिया. पूरे इंडिया के जिस तरह पता लगे कि 35 बच्चे गए थे और पंजाब के 2 जिन्हों के एक फरीदकोट का सी, तो किवें लगता है जी? ये साढ़े स्कूल वास्ते ते बच्चा बच्चे के पेरेंट्स वास्ते बड़ी माण की गल है कि इन्ने रिमोट एरिया चो भी साडा बच्चा सिलेक्ट होया. बच्चा बहुत होनहार है, पढ़ाई च भी बहुत होनहार है, तो बच्चे ने साइंस की एक्टिविटीज़ च बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हमेशा एग्जीबिशन च पार्टिसिपेट करता रहा, तो स्टेज पर भी इन्हें हर एक कॉम्पीटिशन च कोई इस च हिस्सा लिया, तो सानू इस बच्चे पर बहुत मान है. थैंक यू. मैम, कई चीज़ा सिखाई भी गई जिमें उ अपने पंजाब पढ़ाई पहराव है जो सभ्याचार बारे दसिया गया उ चीज़ें जाके शो किए वो बारे फिर ट्रेनिंग किया गया. असी बच्चे नूं स्कूल बहुत अच्छी ट्रेनिंग दित्ती भी यह पंजाब दा कल्चर उत्थे वधिया तरीके नाल रिफ्लैक्ट करके आए. ते बच्चे नूं इत्थे म्यूजिक टीचर ने पहला गाने ते ट्रैक वगैरह जिहड़े भी सिलेक्ट कीते सीगे, फिर स्कूल पहला ट्रेनिंग दित्ती गई, फिर बाहरों भंगड़ा कोच नूं लगा के इस भंगड़े की फाइन ट्यूनिंग की गई, बच्चे नूं पग बननी सिखाई गई भी जिहड़ी है तुल्ले वाली पग किवें बननी है, भी पूरे एक जिहड़ा पहरावा है पंजाब दा वो बहुत अच्छे तरीके नाल दर्शाया जाए इसकी पूरी कोशिश की गई. किराए ते असी इहदी जिहड़ी कल्चरल ड्रैस है वह मंगाई भी बच्चा किसी भी पक्षों पिछे ना रहे ते पंजाब दा कल्चर वधिया तरीके नाल जापान च दिखा के आए. परिवार की गल करिए, परिवार दे विच किवें दा इहनां दा हैगा किदां दा परिवार दा सी? परिवार बच्चे का बड़ा ही मिडल क्लास फैमिली हैगी है, तो सारा खर्चा जिहड़ा हैगा इहदे आण जाण दा इह स्कूल वल्लों बीयर किया गया.